हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है, तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? ये इन्फॉर्मेशन जो हमें दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें एक पाई चार्ट बनाना है। कह रहा था टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो टेबल है इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ब्लू कलर जो है 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन कलर जो है 19 लोगों को पसंद है। यहाँ पे लिखा है ना कलर्स और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो ब्लू 18 को पसंद है, ग्रीन 9 को पसंद है, रेड 6 लोगों को पसंद है और येलो जो है 3 लोगों को पसंद है। और टोटल कितने हैं? 36 पीपल है। तो हमें क्या करना है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है एक पाई चार्ट के ऊपर दिखानी है। पाई चार्ट कैसा होता है? गोल बनता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दी हुई है कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ब्लू का आप निकालिए कि भैया हाफ है, फिर सर्कल का हाफ मार्क कीजिए, फाइंड कीजिए कितने डिग्री होगा और आप ऐसे कीजिए। बट एज यूजल इसको मैं अपने एक ट्रिक से करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ईजी है और समझने में भी ईजी है, आपको समझ आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज वी हैव टू रिप्रेजेंट 36 पीपल ऑन अ पाई चार्ट। 36 लोगों को हमें एक पाई चार्ट पे दिखाना है। और पाई चार्ट कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो इस केस में हम अज्यूम कर लेंगे कि 36 पीपल इक्वल्स 360 डिग्री, है ना। 36 पीपल जो हैं वो पूरे के पूरे सर्कुलर एरिया के, एरिया नहीं एग्जैक्टली सर्कुलर एंगल जो है उसके बराबर हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा? वन पीपल नहीं होता एक्चुअली, वन मैन होता है या वुमेन होता है, बट ठीक है मैथमेटिकली ठीक है ये। तो इज विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 36, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो वन पीपल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 10 डिग्री, फाइन। अब ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें पता चल गया कि भैया वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री है। तो बिल्कुल अब हम यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ब्लू कलर की, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे हमने ये निकाला है ना कि वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री है तो 18 पीपल कितना हो जाएगा? 18 पीपल विल बी इक्वल टू 18 × 10 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, फाइन। ये चीज़ समझ आई? तो इसका मतलब जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के लिए कितना हम एंगल बनाने वाले हैं सेक्टर का? 180 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ग्रीन रेड और येलो के लिए मैं निकालता हूँ। ये ग्रीन के लिए मैंने निकाला, ग्रीन कितने लोगों को पसंद है? 9 लोगों को पसंद है ना। अगर ग्रीन 9 लोगों को पसंद है, अगर वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो 9 पीपल इज इक्वल टू 9 × 10 डिग्री, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने रेड के लिए कर दिया, रेड कितने लोगों को पसंद है? 6 लोगों को पसंद है। तो रेड 6, फिर दोबारा से वही थ्योरी, वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो 6 पीपल इज इक्वल टू 6 × 10 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब येल्लो के लिए देख लेते हैं, येल्लो के लिए कैसे हो जाएगा भैया? देखिए 3 पीपल हैं तो अगेन इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, वन पीपल इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो 3 पीपल इज इक्वल टू, बस यहाँ पे सॉल्व करके लिख दीजिए, 3 × 10 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, फाइन। अब चारों के लिए हमें पता चल गया, ब्लू के लिए 180 डिग्री है, ग्रीन के लिए 90 डिग्री है और रेड के लिए 60 डिग्री है और येल्लो के लिए 30 डिग्री है। तो बिल्कुल आप अपने पास, आपके पास जैसे डी होगा ना, डी आप लोगों को पता है, आपने क्लास में यूज़ करा होगा, दिखने में ऐसा होता है। तो डी को यूज़ करके आप एक सर्कल के अंदर इसको बना सकते हैं, तो मैं बना देता हूँ। तो ये एक सर्कल बना दिया, ये सेंटर के साथ, ये एक लाइन बना दी, ये पूरा का पूरा, अब ये रीजन देखेंगे ना, ये कौन सा रीजन? ये रीजन, दिस इज 180 डिग्री, पूरा का पूरा 360 होता है, दिस इज 180 डिग्री। तो एक्चुअली इसको मार्क हम कर देते हैं ब्लू लोगों को, ब्लू 180, ब्लू है ना 180, ये रहा दिस इज 180, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू
कौन सा, ये सारा रीजन, ये देखिए ये सारा रीजन, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू, क्योंकि कितना है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए ग्रीन 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री विल बी अ स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये शेडेड वाला। तो ये किसको, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, कि भैया इतने लोगों को जो है ग्रीन कलर पसंद है। हल्का सा शेड कर देता हूँ, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, अब रह गया रेड। रेड को भी रेड से मैंने मार्क कर दिया, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री है, तो इसको मार्क भी रेड से कर दें क्या, तो ये लीजिए इसको मार्क भी हमने रेड से कर दिया, ठीक है। ये हो गया, तो ये किस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, ठीक है, ये हमने लिख भी दिया। अब बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, येलो, तो ये हो गया येलो। इसको मार्क किससे करूँ, मेरे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है, तो इसको ब्लैक से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये येलो, और येलो कितना होगा, येलो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री होगा। फाइन, इसी के साथ हमारा पाई चार्ट बन गया है, तो हमारा पाई चार्ट मार्क करूँ क्या पूरा, ये लो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो देख रहे हो और एक एक चीज़ पसंद आ रही है, समझ आ रही है जैसे मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और एक चीज़ और, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बाय बाय।